एंड सेकेंड एंड थर्ड एफ पी एस, व्हाट इज द एफ पी एस? फुट पॉन्ड्स कॉमा सेकेंड, एस आई सिस्टम, व्हाट इज द एस आई सिस्टम? जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर बहुत सब जगह आपको लिखेगा द यूनिट इन एस आई सिस्टम। एस आई सिस्टम इज स्टैंडर्ड इंटरनेशनल बेटे, जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं सब आपको अपनी कॉपी पर लिखना है, आपको सबको नोट्स बनाने हैं। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे, जब हम न्यूमेरिकल करते हैं फिजिक्स के अंदर, तो आपको कोई भी एक सिस्टम लेना है। अगर हम एम के सिस्टम अडॉप्ट करेंगे तो सारी फिजिकल क्वांटिटी हम एम के एस सिस्टम में ही लेंगे। अगर हम सीजे सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं तो सारी यूनिट्स हम सीजीएस में ही रखेंगे। अगर हम एफपीएस में रखेंगे तो सारी यूनिट्स को हम एफपीएस में ही रखेंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे कि कुछ यूनिट्स हमने एम के सिस्टम की ले ली, कुछ यूनिट्स हमने सीजे सिस्टम की, हम ऐसा नहीं कर सकते। एंड व्हाट इज द एस आई सिस्टम? एस आई सिस्टम और एम के सिस्टम को थोड़ी देर के लिए आप एक ही मान सकते हैं। अगर आपसे किसी भी न्यूमेरिकल में फिजिक्स में कहा जाता है कि आप एस आई सिस्टम को यूज करिए, इट मीन्स यू हैव टू यूज एम के एस सिस्टम, करेक्ट? तो आपको सभी लिखना है और याद रखना है। अब मैं आपको बेटे टेबल बनवा रहा हूं, वो टेबल आपको बनानी है और कॉपी पर भी लिखनी है। सीरियल नंबर, फिजिकल क्वांटिटी, नेम एंड सिंबल। किलोग्राम सिंबल इज द केजी। लेंथ मीटर एम, एन नंबर फोर इज मोल्स। तो बेटे ये सब बात आपको बेटे याद आएगी। अब मैं आपको कुछ, आप इसको उतार लेंगे, सबको नोट कर लेंगे। अब बेटे मैं आपको कुछ यूनिट कन्वर्ट करना सिखाता हूँ कि यूनिट कैसे कन्वर्ट करी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इससे पहले बेटे एक चीज और सीखनी है आपको। मान लिया बेटे मैं आपको एक तीन चीजें देता हूं आपको ऐड करने के लिए, से 100 मीटर, 10 केजी एंड 10 सेकेंड। यू हैव टू ऐड दिस। तो सोचिए क्या आप इसको ऐड कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो व्हाट विल बी इट्स आंसर, इफ नॉट डन व्हाई? सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि इसको हम ऐड कर सकते हैं? वी कैन नॉट ऐड इट। द रीजन,
दीज ऑल थ्रीज हैव डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी एंड हैव डिफरेंट यूनिट्स. नेवर वी कैन एड द डिफरेंट यूनिट्स. आप कभी भी डिफरेंट यूनिट्स को एड कर ही नहीं सकते या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कैन डन बट नेवर यू कैन एड और सब्ट्रैक्ट. आप अगर मैं इसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल. रीजन क्या है मैंने आपको याद है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप अलग अलग यूनिट्स या अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी का नहीं कर सकते. एक ही फिजिकल क्वांटिटी और एक ही यूनिट का होना जरूरी होता है. लेकिन इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड देन वी कैन डन बट एडिशन और सब्ट्रैक्शन इज नेवर पॉसिबल. So first of all, we convert some units. If we convert 10 kilometer into meter, then 10 into 1000 is equal to 10,000 meter. If 10,000 meter is converted into centimeter, then 10,000 into 100 is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6 centimeter. It is quite simple. लेकिन अगर हमें मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, then what we do? So if we convert 1 meter into kilometer. इसमें अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम आती है. तो बेटे कोई विशेष बात नहीं है, आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए. जिस प्रकार से मैथमेटिक्स में अगर x into y is equal to z है, तो what will be the y? What will be the value of y? Y is equal to z upon x. In the similar way, अगर like 1 meter is equal to